नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप, वो मंच जहां पर आपसे जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, उन पर आपकी राय ली जाती है और उसके बाद आप ही की आवाज को यहां पर बुलंदी के साथ हम पेश करते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो आज हरियाणा की आवाज में हम बात करेंगे जल की, पानी की। जहां अभी आपने घोषणा पत्र सुना, संकल्प पत्र सुना बीजेपी का, और उस दौरान प्रधानमंत्री जब ग्लास से पानी पीने लगते हैं तो वो जिक्र करते हैं कि पानी जब मैं पी ही रहा हूं तो बात पानी की कर लेते हैं। तो आज खास पेशकश में बात हम करने वाले हैं जल की। जी हाँ, तो आज एक ऐसे गांव की बात हम करेंगे जहां पर आज भी लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं, स्वच्छ पानी इनको नहीं मिल रहा। और सबसे ज्यादा परेशानी इसमें जो झेल रही हैं वो है महिलाएं। दूर दराज के क्षेत्रों में वो जाती हैं, मटके से पानी भरकर लाती हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उचाना हल्के का गाँव बड़ौदा है जहां पर पीने के पानी की भारी किल्लत है। चुनाव के समय भी यहां पर कोई समाधान पीने का पानी का नहीं हो रहा है। सिर पर मटके रखकर यहां पर महिलाएं पानी लाने को मजबूर हैं। इस डिजिटल इंडिया में उचाना से मात्र 3 किलोमीटर दूर दिल्ली लुधियाना नेशनल हाईवे 71 है, जहां पर 8,000 की आबादी का ये गांव है, जहां पर ये स्थिति है कि महिलाएं मटका लेकर जा रही है और पानी भरकर घर की तरफ आती है। अब 3 दिन बाद वाटर सप्लाई का पानी नलों में आता है, वो भी बहुत कम, आधा घंटा के करीबन, और पानी पाइपों में छोड़ा जाता है। गांव में निचला पानी बहुत खारा है जो पीने योग्य भी नहीं है, इसलिए लोगों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। आज इस मंच पर हम चाहते हैं आप सभी दर्शक जुड़े हमारे साथ और पानी को लेकर जो समस्या इस वक्त आपके क्षेत्र में है, क्योंकि देखिए सही समय है, आप जुड़कर हमें जरूर बताएं। महेश सिंह हमारे साथ पहले दर्शक, नमस्कार महेश सिंह जी। महेश जी आवाज मिल रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा आप इस कार्यक्रम में। बाकी के दर्शक जुड़ते रहिए, टेलीफोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़कर अपने सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार, जो भी आपके मन में है आज के इस मुद्दे को लेकर जरूर हमसे जुड़िए। तो क्या यही है विकास का सच? क्या यही है डिजिटल इंडिया की झलक? चुनाव में बड़े बड़े दावों का सच क्या है? क्या डिजिटल इंडिया केवल नाम के लिए है? क्या सरकार के वादे सिर्फ जुमलेबाजी है? क्योंकि पीने के पानी के लिए भी लोग यहां तरस रहे हैं। डिजिटल दुनिया में ये गांव पीछे छूट गया है। महिलाएं मटके में भरकर पानी लाती हैं, 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है यहाँ की महिलाएं। इतना ही नहीं, शिकायत की गई है बावजूद उसके समाधान आज तक नहीं हुआ है। अगले दर्शक हमारे साथ सोनीपत से जुड़ चुके हैं, महेश सिंह जुड़े हैं फिर से। महेश सिंह जी नमस्कार, कहिए। महेश सिंह जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी महेश जी कहिए। हाँ जी, हमारे गांव की 1 किलोमीटर की रोड 1 साल से टूटी पड़ी है। हेलो, बात जारी रखिए महेश जी, सुन रहे हैं हम। हाँ जारी रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए, आप बोलिए, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। फिर पहले कहिए आप, समस्या बताइए। तहसील सोनीपत और न तहसील गन्नौर और ब्लॉक गन्नौर, और ये हमारे गांव की सड़क 1 किलोमीटर की अप्रोच रोड जो है सरकार तोड़ करके आज तक बनाई नहीं 1 साल से। ठीक है, ये समस्या है आपकी, लेकिन महेश सिंह जी हम चाहते हैं इसकी शिकायत भी आप कीजिए, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हम ये भी चाह रहे हैं कि जो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, वो इसी मुद्दे को लेकर अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं, क्योंकि साफ पानी, स्वच्छ जल, ये एक ऐसी बुनियादी सुविधा है जो हर सरकार को, हर किसी को देने के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। बावजूद इसके आज तक ये बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। गुरुग्राम से राम है हमारे साथ नियमित दर्शक, नमस्कार राम जी, बताइए। मैं राम सचदेव कुशलता से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलिए राम जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव में तो एक तरफ रहा, शहरों में भी यही हाल है। मैं शास्त्री नगर मोर्चों पर पहले नंबर हो जाता हूँ। बिजली अब 2 बजे 3 बजे बिजली आ रही है, बिजली नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा? कहते हैं जल ही जीवन है, अब जल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो गाँव में तो चलो ठीक है,
पता नहीं ये सब झूठे वायदे करते हैं, झूठे सरकार हो रही है। मैं इसको झूठ से बोल रहा हूँ, अपने कसम खा सा रहा हूँ भाई। ये पानी के लिए ही जन ही जीवन होता है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया, वो हो गया है, पानी भी न मिले तो बताओ क्या करेंगे। जब जन तो कहते दलित जीवन है और जो गांव में करो ठीक है, पता नहीं है या नहीं है या आप सच्चाई बोल रहे हैं। मैं यहाँ मतलब रोड तो सही है, पक्की है, मकान अपने पक्के मकान में रहता हूँ अपना वो है। मैं जबकि सरकारी मुलाजम मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं 3 बजे तक लाइट है, लाइट नहीं होगा तो पानी कैसा होगा। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हम चाह रहे हैं बाकी के दर्शक जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, जो भी आपकी राय है प्रतिक्रिया हम तक जल्द से जल्द पहुंचाए। वीरेंद्र सैनी हमारे साथ कैथल से हैं। वीरेंद्र जी कहिए, पानी को लेकर क्या समस्या आपके इलाके में? सर मैडम जी, हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करते हैं। पहले मैडम जी पानी की देखो समस्या तो हर जगह ही है मैडम जी। हाँ? लेकिन पानी को बचाने के लिए कुछ कदम हमने खुद ही उठाने पड़ेंगे। और पानी बचाने के लिए यानी कि पानी कहीं पे भी व्यर्थ ना जाने दे, जैसे नल खाली नल चले हुए हैं कहीं पे, कहीं पे वैसे पानी बाहर जा रहा है, लेकिन हमारी ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि हम उसको बंद करें या उसको टूंटी लगवाएं। ऐसी ऐसी यानी कि जो छोटी छोटी समस्या है ये हमने खुद देखनी पड़ेगी मैडम। बिल्कुल। और अगर ये समस्या को हम ध्यान रखें ना, सभी शहरवासी, सारे जिलावासी और पूरे हरियाणा वासियों से मेरी विनती है कि जो नाली व्यर्थ चल रही है, टूंटी व्यर्थ चल रही है, इनको टूंटी लगवाए या इनका पानी बंद किए करें, और उससे ही हमें पर्याप्त पानी मिल सकता है अगर हम ऐसे पानी को खराब ना जाने दे तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये चीजें समझने की है और ये हमें अपनी जिंदगी में अमल में लानी होगी कि जल ही जीवन है तो उसको कैसे संजो के हमें रखना है, कैसे हमें पानी को नहीं वेस्ट करना है, इन सब चीजों को हमें समझना होगा। लेकिन उससे पहले जहां पानी ही नहीं पहुंच रहा वहां पर उस पानी की बर्बादी तो मुनासिब भी नहीं है। ये पानी पहुंचेगा कैसे, कब पहुंचेगा, ये सवाल है तमाम। इनको लेकर हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम में सभी दर्शक जुड़ते रहिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त कुछ नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, जो भी बात है हम तक जरूर पहुंचाइए। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, जींद से जुड़े हैं, मोहित है हमारे साथ, बोलिए मोहित। नमस्कार मोहित, आवाज मिल रही है, कहिए मोहित, टीवी की आवाज को कम कीजिए, बात कीजिए मुझसे, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ मोहित, आप सुन नहीं पा रहे शायद, चलिए फिर से कोशिश कीजिएगा। और एक बार फिर से अपील कर देते हैं, जब भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं टेलीविजन की आवाज को आप कम कीजिए, आवाज सुनकर मत जवाब दीजिए, जो हम आपसे टेलीफोन के जरिए बातचीत कर रहे हैं आप उसको सुनकर अपनी बात हम तक पहुंचाइए। जल्द से जल्द जुड़े कार्यक्रम में, टेलीफोन नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। बात आज हो रही है उचाना हल्के के गांव बटोदा की, जहां पर पीने के पानी की भारी किल्लत है, भारी समस्या है। कब तक समस्या बनी रहेगी, समाधान कब और कैसे होगा, क्यों आखिरकार यहां पर महिलाओं को आज भी दूर दराज जाना पड़ रहा है, 3 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है इनको पानी लाने के लिए। सोचिए कितना जो टाइम है इनका, समय कितना बर्बाद होता होगा। सुबह ये महिलाएं चली जाती हैं, मटकों में पानी भरकर लाती हैं, और अब गर्मियों के दिन हैं, गर्मियों के दिन में पानी की खपत भी ज्यादा होती है, और सोचिए कितनी परेशानियां इन महिलाओं को यहाँ झेलनी पड़ती है। लेकिन क्या इस परेशानी के लिए सरकार, प्रशासन या जिस तरीके से एक ढर्रा चलता आ रहा है वो जिम्मेदार है? जिसको भी आप जिम्मेदार मानते हैं जुड़कर हम तक जरूर पहुंचाएं। दर्शक कार्यक्रम में जुड़ते रहें, जुड़कर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत राय, आपकी सोच, आपका सुझाव, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो हरियाणा न्यूज पर कार्यक्रम में आप जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर जो हम फ्लैश कर रहे हैं उन पर जरूर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ बिजली भी नहीं आती, पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल पाता, और इसलिए लोग ये पूछ रहे हैं अब सवाल कि हम अगर वोट दें तो किस आधार पर दें, जिस गांव में अभी तक बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं, बुनियादी सुविधाएं इनको नहीं मुहैया करा पा रही हैं सरकारें, तो आखिरकार ये क्यों वोट दें, किसको वोट दें, किस लिए वोट दें? विकास के लिए, लेकिन वो तो यहाँ हो नहीं रहा, उसका तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो ये आम जनता करे तो करे क्या, इसको लेकर आपके जहन में जो कुछ भी है जरूर जुड़कर हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में भी, क्योंकि सिर्फ उचाना हल्के का गांव बटोदा ही ऐसा नहीं है, बाकी बहुत सारे हल्के हैं ऐसे
जहां पर ये समस्या बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। ऐसे ही गांव के लोग हम चाहते हैं जुड़े हमारे साथ, और जो भी आपके मन में है, जो भी आप चाहते हैं, आपकी राय है, हम तक जरूर पहुंचाएं। तो 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर हैं ये महिलाएं। चुनाव में हालांकि बड़े बड़े दावे और वादे कर दिए गए इनसे पानी को लेकर भी, लेकिन बावजूद इसके पानी इनको नहीं मिल पा रहा है। कई बार शिकायत की है तमाम नेताओं से पानी की किल्लत को लेकर, लेकिन समाधान नहीं हुआ। सांसद दुष्यंत चौटाला और विधायिका प्रेमलता को भी इस बारे में कई बार शिकायत की गई है। तोशाना हल्के का गांव है जहां पर पीने के पानी की समस्या है। अब गर्मी का मौसम शुरू होते ही गांव में पीने के पानी की समस्या और बढ़ गई है। महिलाओं का दिन का चैन, रात की नींद छीन लिया इस पानी ने, क्योंकि गांव में जलघर होते हुए भी 3 दिन बाद वाटर सप्लाई का पानी नलों में आता है, वो भी मात्र आधे घंटे के लिए। और गांव में निचला पानी काफी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है, जिस वजह से जो ग्रामीण है वो परेशान है और अपनी जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे 71 की सड़क पर चल रही महिलाओं को बीच से गुजरना पड़ रहा है पानी लेकर। रोहतक से दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भगत सिंह है। नमस्कार भगत सिंह जी। रोहतक जिले से बोलिए। गांव लखमाजरा, जिला लखमाजरा गांव है। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। तो जी यार, दिल्ली में रेल पुल बन गया जी। रेलवे पुल बन गया जी यार, ना तो खेतों का रास्ता है जी, ना ही पिच में जाने का रास्ता है कोई। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, शुक्रिया आपका भगत सिंह जी, समस्या आपने बताई हम तक। हम चाहते हैं बाकी के दर्शक भी ऐसे ही जुड़कर अपनी जो समस्या है वो हम तक जरूर पहुंचाएं, और कोशिश हमारी भी यही है इस तरह के मुद्दों को उठाने की, इस तरह के टॉपिक्स उठाने की, कि अगर ये बात उठती है मीडिया के जरिए तो सरकार प्रशासन संज्ञान ले इस पर, और जल्द से जल्द जो समस्या इन लोगों की बनी हुई है उसका समाधान करने की भी कोशिश करें। सिर्फ बात यहां तक सीमित ना रह जाए कि मुद्दा उठाया और उसके बाद उस पर आपकी राय ली और वो खत्म, उस पर कुछ एक्शन हो, उस पर सरकार कुछ संज्ञान ले, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहती हैं। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़कर हमें अपनी राय जरूर पहुंचाएं। क्या डिजिटल इंडिया केवल नाम के लिए रह गया है? क्या सरकार के तमाम वादे केवल जुमलेबाजी बन चुके हैं? हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। उशाना हल्के के गांव की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कैसे महिलाएं मटका लेकर पानी भरने जा रही हैं और कितनी समस्याएं इस दौरान इनको आ रही हैं, क्योंकि पानी इनको आसपास से नहीं बल्कि 3 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ता है पानी के लिए। पानी लेकर आते हैं और उसके बाद फिर ये अपना जो रोजमर्रा का काम है वो करती हैं। सोचे कितनी समस्याएं इनको इस दौरान आती होंगी। तोशाना हल्के के गांव में पीने के पानी की भारी किल्लतें, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव में पानी खारा भी है और जो पानी इनको पीने के लिए मिलता है उसको लाने के लिए इन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। अब सोचिए रोजाना इनकी कितनी दिक्कतें इनको आती होंगी। रोजाना ये ऐसे ओजर बजर करती हैं, जाती हैं पानी लेने के लिए, उसके बाद पानी लेकर वापस लौटती हैं, तब तक कितना समय इनका व्यर्थ हो जाता होगा। आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या ये है डिजिटल इंडिया की झलक जो हम आपको दिखा रहे हैं? और भी साथ ही काफी सारी बातें हैं इसमें जो जनता हम तक पहुंचा रही है कि उनके इलाकों में भी इस तरीके की समस्या। आप लोगों से जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हरियाणा की आवाज में। बात हम कर रहे हैं पानी की समस्या की। उशाना के गांव में पानी की किल्लत है, इन दोनों महिलाओं को दूर दराज जाना पड़ता है पानी के लिए। अगर आपके हल्के में भी कोई इसी तरीके की समस्या है तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन्स खुली हुई है, नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, फिर जो भी आपकी राय है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आपके विचार हैं, हम तक जरूर पहुंचाएं। तो वादे तो बहुत बरसते हैं लेकिन पानी नहीं बरस पाता। 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को ये महिलाएं मजबूर हैं। सरकार के वादों की पोल खुल गई है, शिकायत के बावजूद भी विकास का काम या नहीं हुआ।
क्योंकि पीने का पानी यहाँ नहीं पहुंच रहा है, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके इलाके में भी ये समस्या है तो जुड़िए। कुरुक्षेत्र से राम सचदेवा, नमस्कार राम सचदेवा जी, बोलिए। पानी के बिना रहन जल ही जीवन है। मैं बताया था मैं बिजनेस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ जी जी, और पहले करना रहता था, अब कुरुक्षेत्र में अपना मकान लिया, सब कुछ है सड़क, लेकिन अगर 3 बजे बिजली आएगी तो पानी कैसे होगा, आएगा कैसे हो? पानी जल ही जीवन है, कहते एक तरफ वायदे तो बहुत करते हैं, और इसीलिए ही कांग्रेस को छोड़ के लोगों ने ये बीजेपी की बढ़ाई सरकार बनाई थी, और अच्छी फैसिलिटी होगी, अच्छी वो होगी, अच्छे हर चीज अच्छा मिल जाएगी, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा, पानी के बिना, अच्छा मैं अकेला ही रहता हूँ, मैंने दोनों लड़कियों की शादी कर दी, सब कुछ अकेला रहता हूँ, फिर भी मैं बताऊँ पानी लेने वास्ते भी मैं मतलब पड़ोसी से लेना पड़ता है, हालांकि फ्रिज भी रखी सब कुछ, अगर पानी होगा ही नहीं तो उनके पास भी नहीं होगा तो पानी कहाँ से मिलेगा। नमस्कार जय, सिर्फ झूठे वायदे ही करती है ये सरकार, और ऐसे वायदे न करे तो सबसे अच्छा होगा, जल ही जीवन है। दूसरी बात, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पानी ही सबसे ज्यादा अच्छी है, जो आपने इस मुद्दे पे आवाज उठाई है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश है इस तरीके के जो मुद्दे हैं, कम से कम बुनियादी समस्या है वो तो उठाएं। नरेश हमारे साथ अगले दर्शक है, नमस्कार नरेश जी। नरेश जी आवाज मिल पा रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप नरेश जी मुझे? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पाया इनसे, फिर से कोशिश कीजिएगा जुड़ने की कार्यक्रम में। कार्यक्रम में जुड़कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, जल्द से जल्द कार्यक्रम में जुड़ें। टेलीफोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो उचाना हल्के के गांव बड़ौदा में पीने के पानी की समस्या है, समाधान नहीं हुआ आज तक, सिर पर मटके रखकर महिलाएं पानी ला रही हैं, और आज से नहीं है, बहुत लंबे वक्त से समस्या बनी हुई है। छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी स्कूल छोड़ छोड़कर ये काम करना पड़ रहा है। जीन से दर्शक हमारे साथ हैं, नरेश है, नमस्कार नरेश जी, आवाज पहुंच रही है, बताइए। नरेश जी सुन पा रहे हैं आप क्या मुझे? हाँ जी बोलिए। 9 किलोमीटर दूर से पानी लाए, जलालपुर कला खुर्द से जी पाइप लाइन दबा के ले आए थे जी, कांग्रेस राज में ले आए थे जी। अरे दिक्कत इतनी हो रही है पानी की। हेलो, हाँ बोलिए नरेश जी, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है जी, गंदा पानी आवा जी इस लाइन में, अदना टेम पर पानी आंदा जी, मोल कैंपर मोल पानी लेवा जी 20 रुपए कैंपर पीने का पानी आंदा जी। कांग्रेस राज में पानी लाइन दबवाई थी जी, वहाँ कांग्रेस वाले ने, किरण चौधरी ने जी, स्वास्थ्य मंत्री जी सब। तो आपने इस बारे में शिकायत की? गंदा पानी आओ जी, उसको पशु भी नहीं पींदे जी। नरेश जी शिकायत की आपने? जी आके देख सके हो तो कोई आया नहीं समाधान के लिए? कैंपर मोल पानी लेवा जी, पानी खरीद के लेना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। अब गंदा पानी मिलेगा तो लोगों को पानी भी खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर सरकार प्रशासन तो शायद यहाँ ध्यान नहीं दे पा रही है। आरती शर्मा है हमारे साथ, बोलिए शर्मा जी, नमस्कार कहिए। मैडम हरियाणा को सभी सरकारें नंबर वन कहती हैं, क्या यही नंबर वन है हमारा हरियाणा, जिसमें लेडीज को बेचारी सुबह से शाम तक ये पानी के लिए ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं? क्या इन महिलाओं के लिए कोई भी सरकार या कोई एनजीओ सोचेगी? वैसे तो ये रिलायंस वाले अंबानी वगैरह कितने अमीर है, इनकी भी कोई ड्यूटी बनती है कि ऐसी चीजों से मुक्त करें। हरियाणा से करोड़ों रुपए अरबों रुपए गोटावा से ये कमा रहे हैं या सरकार कमा रही है, इन लेडीज की तरफ देखिए। ये मेरे को शर्म आती, मैं ये कहना रहा हूँ, मुझे शर्म आती है कि हमारे हरियाणा का ये अभी तक ये हाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगर पानी जैसी चीज भी नहीं लोगों को मिल पाएगी साफ सुथरी, तो सोचिए क्या होगा इन लोगों का, कब तक ये लोग ऐसी ही समस्या को लेकर दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, बार बार प्रशासन के आगे चक्कर काटेंगे कि हमारी समस्या का समाधान कीजिए, जबकि इनका हक है, इनका अधिकार है, ये कुछ मांग नहीं रहे, ये एक ऐसी चीज है जो इनको मिलनी ही चाहिए, इनका अधिकार है ये, बावजूद इसके इनको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। बाकी के दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीफोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, जो भी आपकी राय है हम तक जरूर पहुंचाएं।
तो बात आज कर रहे हैं हम पानी की समस्या की। उछाना हल्के का ये गांव जहां पर पीने के पानी की समस्या काफी ज्यादा बनी हुई है। अगले दर्शक शिवचरण है हमारे साथ, बोलिए शिवचरण जी। मैं नमस्कार, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। अगर हरियाणा के, अरे देखो, दो साल पहले का तो ब्रिज या 3 किलोमीटर से दूर दूर से औरतें पानी लेके आती है, तो ये कृषि सरकार कितनी दुख की बात है। अगर इतने, अगर दो साल पिछले के लिए तो पहले, तो दो साल पहले भी ये सारा काम नहीं होता था, जैसे औरतें 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आई, और वो भी अच्छा पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है नालों में। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है, इसको समझना होगा हमें, क्योंकि अगर पानी ही गंदा पियेंगे तो सब कुछ गंदा ही होगा, बीमार पड़ेंगे अलग से, दवाइयों का खर्चा, यानी कि गंदा पानी बीमारियों को न्योता देने वाली बात है। आप गंदा पानी पियेंगे, बीमार होंगे, तमाम तरह की बीमारियां आपकी शरीर में आ जाएंगी। लेकिन इसका समाधान कैसे होगा, पीने का पानी लोगों को कब साफ सुथरा मिल पाएगा और कैसे मिल पाएगा? हरियाणा में तो खासकर आज भी कई ऐसे सूखाग्रस्त इलाके हैं जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है। दक्षिण हरियाणा बेल्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर तो पानी की समस्या, जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे कितनी ज्यादा पानी की समस्या वहां पर बढ़ जाएगी। तमाम जो वहां के नेता हैं, जो भी वहां पर विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, काम करवाया जा रहा है, ग्रांट भी दी जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है, लेकिन वो जा कहां रहा है, उसका फायदा लोगों को मिल क्यों नहीं रहा, इस बात का जवाब भी इन नेताओं को देना होगा। तो जल्द से जल्द आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए। क्या विकास का सच यही है? रमेश कुमार हमारे साथ अगले दर्शक। नमस्कार रमेश जी, कहिए। नमस्कार जी, बोलिए। गांधीनगर से बोल रहा था जी। पानी की समस्या हल ही नहीं हो रही हमारे लोकसभा के अंदर, गांधीनगर के अंदर। कब से समस्या है? ट्रेन करने के बाद, अखबार में देने के बाद, न्यूज में देने के बाद भी गंदा से गंदा सप्लाई हो रहा है पानी पीने का। कब से समस्या है और क्या कह रहे हैं आपको, जब आप पहुंचते हैं अधिकारियों के पास क्या कहते हैं? बस वो यही कहते हैं कि करेंगे करेंगे, बस होता होता कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। और ये शायद आप ही की नहीं, सभी की समस्या है कि काम किया जाएगा लेकिन कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, तो इसीलिए ज्यादा समस्या इस वक्त आ चुकी है पीने के पानी की। आखिरकार कब तक ये समस्या बनी रहेगी और कब इस पर सरकार और प्रशासन ध्यान देगा, इस पर जरूर सोचना होगा। फिलहाल हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।